नमस्कार, सुरभि सलोनी में आपका स्वागत है। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण के 2023 चातुर्मास को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे तेरापन समाज में उत्साह का माहौल है। वैसे तो यह तैयारी तभी शुरू हो गई थी जब आचार्य श्री ने मुंबई में अपने चातुर्मास की घोषणा की थी, लेकिन अब चूंकि चातुर्मास को कुछ ही महीने शेष बचे हैं तो समाज ने अपनी लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यों में और तेजी ला दिया है। चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल तातेड़ के नेतृत्व में मुख्य प्रबंधक मनोहर गोखरू, महामंत्री सुरेंद्र कोठारी, महेश बाफना, कोषाध्यक्ष गौतम कोठारी के अलावा बीसी भलावत, संदीप कोठारी, भूपेश कोठारी सहित समाज के कई युवा वरिष्ठ श्रावक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरी व्यवस्थाओं को बेहतर और शीघ्र तैयार करने को लेकर जी जान से जुटे हुए हैं। चातुर्मास स्थल घोड़बंदर के सी एंड रॉक परिसर में बनाए जा रहे भव्य चातुर्मास स्थल नंदनवन में रविवार 26 मार्च को तेरापन समाज मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई एवं पालघर क्षेत्रों से लोगों ने पहुंचकर अवलोकन किया। यहां बन रहे भव्य पांडाल, साधु साधुओं के ठहरने के लिए कोठड़ियां, आगंतुकों हेतु कमरे एवं विभिन्न सुविधाओं को देखा, समझा और उनका निरीक्षण भी किया। पूरे परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम शंखनाद महासूर्य के आगमन का दायित्ववाहन अवलोकन का आयोजन हुआ, जिसमें चातुर्मास व्यवस्था समिति मुंबई द्वारा लोगों को विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद लोगों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए। इस कार्यक्रम में उनमें से अधिक लोग पहुँचे और पूरे चातुर्मास स्थल का जायजा लिया। यहाँ पहुँचे समाज के लोगों का उत्साह बता रहा था कि गुरुदेव के आगमन को लेकर लोग कितना उत्साहित हैं। सभी पूरे उत्साह के साथ एक दूसरे से चातुर्मास को लेकर बात करने और चातुर्मास स्थल पर विभिन्न जगहों पर तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही हर एक चीज़ को निहार रहे थे, जहाँ जल्द ही तेरापंथ के महासूर्य अपनी धवल सेना के साथ पहुँच कर कई महीनों तक पूरे मुंबई को अध्यात्म में सराबोर करने वाले हैं। देखिए सुरभि सलोनी की यह रिपोर्ट। आचार्य श्री महापद्म जी की, शांति दूत आचार्य श्री महाकमल जी की, फौलादि हरि संकल्प फल
बच्चे हम जागे एक ही तन, चातुर्मास हो नंबर वन कहे हर दिल की हर धड़कन, चातुर्मास हो नंबर वन कहे हर दिल की हर धड़कन, चातुर्मास हो नंबर वन कहे हर दिल की हर धड़कन। एक विनम्र निवेदन, हमारे युवा साथी और युवा बहनें 10 मिनट के लिए खड़ी हो जाए, जो सीनियर सिटीजन उनको बैठने के दें, कुर्सियां पहुंची रही है, तो एक बार जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको सह सम्मानजनक मिठाई आपसे अनुरोध है। स्वागत संभाषण के लिए अनुरोध आचार्य श्री महासमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल साहब ताते, स्वागत संभाषण। भाइयों और बहनों, आज के दिन इस आयोजन पर आपकी उपस्थिति देखकर मुझे अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। आज सभी तेरापन संघ के निष्ठावान, आप सभी तेरापन संघ के निष्ठावान और जिम्मेदार श्रावक श्राविकाएं हैं। बंधुओं और बहनों, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य चातुर्मास की सभी व्यवस्थाओं को, दायित्व को समाज के सभी जिम्मेदार श्रावकों को सौंपना। सर्वप्रथम मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी धर्म संघ के प्रति जिम्मेदारी एवं निष्ठा का परिचय दिया है। आप सबको मैं साधुवाद देता हूं कि आप सभी के सहयोग से हम सब मिलकर इस चातुर्मास की सभी व्यवस्थाओं को सही रूप से कर पाएंगे। आपने अपने परम आदर गुरुदेव वर्तमान में अहमदाबाद प्रवास कर रहे हैं। गुरुदेव जहां विराजते हैं वह स्थान स्वतः ही मंगल और पावन हो जाता है। उनके चरण मुंबई की ओर शीघ्र गतिमान होने वाले हैं। केवल 93 डेज का समय शेष रह गया है। हमने अपने गुरुदेव का भव्य स्वागत इसी प्रवास स्थल को 28 जून को करना है। मैं गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्हें पूरे समाज, मुंबई समाज के प्रति विश्वास कर 2023 का चातुर्मास व 2024 शेष दायित्व बनता है कि गुरुदेव के इस पावन प्रवास को ऐतिहासिक, सफलतम और उपलब्धियों भरा बनाए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरा श्रावक समाज एकजुट होकर इस चातुर्मास की सफलता के लिए कार्य कर रहा है। समाज के सभी व्यक्तियों का तन मन धन से सहयोग प्राप्त हो रहा है और आपने अभी प्रवास स्थल का निरीक्षण किया है और आप देख रहे हैं कि कार्य अच्छी प्रगति से हो रहा है। हम समयबद्धता के साथ हर एक तरह की सुविधाएं आने वालों प्रवासियों को प्रदान करेंगे। बंधुओं, मुंबई पर पूरे देश और विश्व की निगाहें हैं। चातुर्मास हर वर्ष होते हैं, मुंबई से बहुत अपेक्षाएं हैं और मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मदनलाल साहब तातेड़ के नेतृत्व में मुंबई तेरापन श्रावक समाज एक नई इतिहास का सृजन करेगा। ये इस चातुर्मास के हमारे बहुत से उद्देश्य है। हमारा तेरापन समाज का हर सदस्य आध्यात्मिक उन्नयन करे, हमारा सामाजिक विकास हो और उससे भी महत्वपूर्ण है हमारे अधिशासता जन जन के आज आराध्य बने। आचार्य श्री महासमण जी का व्यक्तित्व कथित्व जन जन तक पहुंचे हैं और मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर है, विभिन्न भाषाओं का शहर है। हमारा यह उद्देश्य और लक्ष्य है पूरे मुंबई के हर समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, वैष्णव समाज हो, ईसाई समाज हो, मोमेडियन समाज हो, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पहुंचे और हर क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, दूसरे क्षेत्र हो, फिल्म हो या किसी भी भौतिक क्षेत्र हो, डॉक्टर्स हो, वकील हो, सब हमारे गुरुदेव के संपर्क में आए। और यह दायित्व, बहुत बड़ा दायित्व हम मुंबई वासियों पर है। केवल अध्यक्ष के ऊपर यह दायित्व नहीं है, मुंबई तेरापन समाज के हर सदस्य का दायित्व है। और आज इस मंच से अध्यक्ष महोदय की व्याप में मैं अनुरोध करता हूं, हम बहुत से व्यक्तित्व को जानते हैं जिनके बहुत अच्छे संपर्क है, जिस मुंबई हमारे तेरापन समाज के सम्मानित सदस्य के विशेष संपर्क हैं या उनके विशेष आइडिया हम तक पहुंचाए, हम यह पूरा प्रयत्न करेंगे इस चातुर्मास का हर पल हर क्षण ऐतिहासिक बने। बंधुओं, तीन उद्देश्य को लेकर हम चातुर्मास के लिए प्रवेश कर रहे हैं। एक चातुर्मास का हमारा उद्देश्य है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का अवलोकन किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। अगर कल्पना करें, मुंबई महानगर में एक नगर बसाना एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह धर्मसंघ की पुण्या ही है, गुरुदेव की पुण्या ही है। कल्पना के ऊपर जाकर के आज जो कार्य हो रहा है, मैं नामोल्लेख हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे, शुरू से ही शुरुआत की थी अक्टूबर से
और अक्टूबर के बाद एक उद्देश्य लेकर के पूरी टीम कार्य कर रही है, पारदर्शिता, मितव्ययता, गुणवत्ता, समयबद्धता, और इन उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे अध्यक्ष महोदय के ब्याह पर कहने हुए प्रसन्नता है, चैलेंज बहुत कुछ आए, बहुत कुछ कठिनाई आई, लेकिन आज हम स्थिति में हैं, गुरुदेव के पदार्पण के पूर्व हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, और इसके बाद भी एक उद्देश्य है, हमारा पूरा परिसर हरित परिसर, स्वच्छ परिसर और एक तरह से एनवायरमेंटल परिसर हमारा रहेगा, पूरे चतुर्मास काल में रहेगा, हम क्योंकि हम सबका दायित्व है और विशेष टीम इसमें कार्य करेगी। दूसरा हमारा उद्देश्य है गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व को जन जन तक पहुंचाएं, इस दृष्टि से जनसंपर्क का कार्य शुरू हो चुका है और हम सघन रूप से इस कार्य को करके हर समाज को हर विशिष्ट व्यक्तियों को संपर्क में लाएं। कार्यक्रमों की हमारी योजना भी उसी ढंग से बन रही है। तो हम आज का जो उद्देश्य है शंखनाद का उद्देश्य एक है, अब तो काउंटिंग शुरू हो गई है, 94वें दिन गुरुदेव इस धरा को पावन करेंगे। अभी हर क्षेत्र में हमारे हर कार्यकर्ता और आज जो घोषणा करेंगे हर टीम समर्पित भाव से और एक इतिहास के सृजन के लिए रूप में कार्य करेगी, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। और आज हमारे बीच बहुत से विशिष्ट व्यक्ति पहुंचा रहे हैं, मैं एक बात गौरव के साथ कहना चाहूंगा, मुंबई 13 संपन्न समाज ने इतिहास का सृजन किया है, यह आयोजन मुंबई 13पन समाज के इतिहास का सर्वोत्तम आयोजन है। मेरी जानकारी में इतना बड़ा आयोजन पूर्व में शायद नहीं हो पाया होगा, और इसमें जो मुंबई 13पन समाज के हर वर्ग का, छोटे से छोटे व्यक्ति का जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, उसकी अभिव्यक्ति अनुदान के रूप में हुई है, तन मन धन के रूप में हुई है। मैं एक बार ओम अरम की ध्वनि से सभी हमारे चाहे कोहिनूर अनुदानदाता हो, डायमंड, प्लेटिनम, सिल्वर, ब्रॉन्ज और जो सहज सरल अनुदानदाता है सबका अभिनंदन करता हूँ। और बंधु एक बात और है, एक चैलेंज हमारे पास में और है, हमारा उद्देश्य है हर 13पंथी परिवार जुड़े, उसके लिए सघन प्रयास हमें करना है। और हमारा तो एक ही है, अध्यक्ष महोदय किससे फोर्स नहीं करते हैं, एक ही अनुरोध है, आप सामर्थ्य और दिल से दीजिए, आपका बस योगदान हमारे पास चाहिए। तो बंधुओं ये हमारे आज का ये हम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हम सबको बड़ी संतुष्टि है इस परिसर को देख करके। इस परिसर में पूज्य प्रवण के जब चरण रज पड़ेगी तो हम मुंबई समाज तो तप्त हो गई, पूरा मुंबई महानगर, पूरा देश और विश्व तप्त होगा, हम सबकी मंगल कामना है। बंधुओं नंदनवन का आपने अवलोकन किया है, एक यात्रा नंदनवन की हमारे महामंत्री भाई सी महेश जी आपको करवा रहे हैं। आज नंदनवन का सफर मुझे विषय मिला, मैं आपको नंदनवन के सफर के बारे में बताऊंगा। दुमके पक्के कर्मठ मानव जिस पथ पर बढ़ जाते हैं, एक बार तो रोरो को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं, एक बार तो रोरो को भी स्वर्ग बना दिखलाता है। जी हाँ साथियों, यह नंदनवन परिसर 28 जून को स्वर्ग प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ हमारे आराध्य, हमारे गुरुजी, हमारे सर्वमना, हमारे भगवान यहाँ अपने चरण रज रखने वाले हैं। और उस दिन मानो यह नंदनवन परिसर एक स्वर्ग के रूप में देखेगा। इस नंदनवन की परिकल्पना में हमने यह जहाँ जब पूज्य प्रवर से अध्यक्ष महोदय को यह निर्देश मिला, उनके मुखारबिंद से यह घोषणा हुई कि हमारा चातुर्मास सीएन रोग परिसर में 2023 का चतुर्मास होगा, उस दिन से इस कार्य में हमारे कार्यकर्ता लग गए। और उसके बाद आज से ठीक 280 दिन पूर्व यहाँ जैन संस्कार विधि से इस भूमि पूजन इस परिसर में हुआ था, और उस भूमि पूजन के बाद यहाँ एक कार्य की परिकल्पना शुरू हो गई थी कि हमें क्या क्या यहाँ कार्य करने हैं। यहाँ हमारे आर्किटेक्ट जानी जी की डिजाइन के साथ हम आगे बढ़े, और उसके साथ साथ हमने आज से 144 दिन पूर्व हमने कुटीर का कार्य शुरू किया, जो हमारे अभिलाषा जी जो कॉन्ट्रेक्टर है उनको दिया। और जब से कुटीर का कार्य चालू किया तभी हमारे एक ऑफिस का उद्घाटन भी यहाँ हुआ, और उस ऑफिस के उद्घाटन में प्रत्येक शुक्रवार को और अभी हमारी हर संडे को एक मीटिंग होती है, जिसमें मुंबई के हम तो सबको आह्वान करते हैं, पर तो भी मुंबई के कभी 20 कभी 30 कभी 40 लोग आते हैं, और उस मीटिंग में अध्यक्ष महोदय और बीसी जी के नेतृत्व में वो मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सबके जो सुझाव आते हैं, जो 13पंथ समाज मुंबई के जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों को हम परिणित करते हुए इस कार्यों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह अवसर जो आपके सामूहिक प्रयास से इतना सफल होने जा रहा है,
जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हमने यह व्यवस्था 700 से 800 व्यक्तियों के लिए की थी, पर यह नहीं लगा कि यह छोटा पड़ जाएगा। तो आज हम इस छोटा पड़ने की खुशी में बहुत गदगद हैं। हम सभी जितने आयोजन और कर्ता दर्द और आप सब भी इस वातावरण से इतने उल्लासित होंगे कि ऐसा वातावरण चातुर्मास के पूर्व जो आपको देखने को मिला है, सचमुच में हमारे गौरवपूर्ण क्षण है। मुझे जिस विषय पर बोलने का कहा गया है, विजन 2023, पूज्य प्रवर मुंबई पधार रहे हैं, हमारे चातुर्मास 2023 का विजन क्या हो, उन्होंने हमें 9 महीने का समय प्रदान किया है। उस 9 महीने का हम किस तरह से उपयोग करें, गुरुदेव का समय और उनका यहाँ पधारना, यह हमारे जीवन के दुर्लभ क्षण है। तो इन दुर्लभ क्षणों का दोहन करने के लिए हमें, हम सभी को एक कैलेंडर वर्ष के तहत एक एक दिन का उपयोग किस तरह से हो, यह हमें सोचना होगा। क्योंकि हम सभी यह मानते हैं कि इतना समय गुरुदेव ने प्रदान किया है, हम उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। दिल खोलकर अनुदान दिया है और उसी की वजह से लगभग 50 से 55% अनुदान हमें प्राप्त हो चुका है। इसमें बहुत से परिवारों ने 100% अपना अनुदान पूर्ण हमें पहुंचा दिया है। उनके लिए मैं विशेषकर आप सभी से कहूंगा कि एक बार ओम आरम उनके लिए हो जाए, जो हमारे पास कभी कभी 20%, फिर 40%, फिर 60% ऐसे खोली थी कि इतना पेमेंट की जरूरत है, लेकिन बहुत से परिवारों ने कहा नहीं, हमें तो ये पूरा करना ही है, तो उन्होंने हमें पूर्ण अनुदान दिया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारे हमारे अनुदानदाताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मिल रहा है, नए नए अनुदानदाता जुड़ रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों से अनेक नए अनुदानदाताओं का नाम आए, उनके लिए भी मैं आप सभी के बीच आभार करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बार अनेक प्रकार की भ्रांति आती है, यहां पर बहुत खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है उसको, अनाप शनाप खर्च हो रहा है। बंधुओं, किसी भी बिल को पास करने के लिए 4 हाथ से निकलता है, फिर लास्ट में अध्यक्ष महोदय के पास जाता है, ये बिल कहां से आया है, किसने इसको आगे किया है और कैसे एक सामान का लगा है, खुद एक बार नजर से देखते हैं, बिल पे साइन करते हैं, उसके बाद मुझे कहते हैं ये पैसा इशू कर देना, मेरी बिगड़ साइन के कोई पैसा इशू नहीं होना चाहिए। ऐसे में अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। और मेरे सहयोगी के रूप में अनुदानदाताओं से संपर्क के लिए श्रीमान कन्हैयालाल जी मेहतावे, श्री अरविंद जी धाकड़, श्रीमान नितेश जी धाकड़ विशेष रूप से सभी अनुदानदाताओं को कॉल कर रहे हैं और अनुदान के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पास है जिस डिवोशन के साथ में आप कार्य कर रहे हैं और उसमें गति ला करके स्कूटर के काम को शीघ्र गुणवत्ता के साथ में पूरा करेंगे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। भाई हमारे समाज में है, हम मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लीजिए। सागिर्द भाई जिनको हमने टेंट का काम सौंपा है, सागिर्द भाई कृपया आगे आ जाए, आ रहे तो टाइम लगेगा उनको, और मुझे लग रहा है कि हम ट्रेलर में बहुत सी हम अच्छी अच्छे अच्छा हमें प्रतिसाद मिल रहा है। आपकी संख्या को देखकर जो आपका जोश दिख रहा है, आपका अहोभाव दिख रहा है, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। यात्रा की अगर हम बात करें, लगभग 5-7 महीने से हम पूरी टीम के साथ में यहां पे जुड़े थे, हालांकि बहुत डर था मेहता जी आपके आने में, बहुत डर था काम करने में, यहाँ पे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समय कम था, काम बहुत था। और एक चतुर्मास आपको पता है, अगर हम घर का भी काम करते हैं तो 9 महीने में घर का फर्नीचर नहीं बनता है, आप सब जानते हैं। 9 महीने में चतुर्मास का पूरा कार्य करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय मदन जी तादेड़, और एक मैं इनकी तारीफ करूंगा, बहुत बहुत बड़ी शायद जो आपको शायद नहीं पता होगा, मदन जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो एक बार काम सौंप दिया बाद में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं, और ये जो कार्य हो रहा है उसका सबसे सबसे बड़ा कारण, अगर मैं साधुवाद दूं तो अध्यक्ष महोदय का साधुवाद देता हूं कि इन्होंने कभी भी किसी भी बात पे ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हम साथ में बैठते हैं तो बोला डिसीजन आप लोग लो, कभी भी अपना डिसीजन किस पर थोपा नहीं है। सर अध्यक्ष महोदय, ये आपकी पुण्य से और आपके इस बड़पन से कार्य हो रहा है। हमारे मुख्य प्रबंधक मनोज जी जो दिन रात 24/7 हर काम के लिए, मैं स्टार्टिंग में तो मैं मदन से मैं बात करने में थोड़ा डर लगता था मुझे, तो मेरा संपर्क का सूत्र मनोहर जी थे,
किससे भी बात करना था, अटल को रखना था, अटल को निकलना था, वापस रखना था, ये जितने भी काम थे। और एक बात मैं बोल दूं पूरी टीम को, जितने भी लोग सामने खड़े हैं, वो बोलते ना हमें डांटा है, तो डांटने का काम खाली मैंने किया है। बाकी अगर यहाँ पर टीम को, क्योंकि मैं हमेशा आके यही कहता था कि समय पर काम नहीं हुआ, समय पर काम नहीं हुआ, बट नाउ आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि अभी ये टीम के लिए नहीं है, ये बाकी सबके लिए है, कि अभी हम निश्चित रूप से हम समय पे कार्य पूरा करेंगे। हमारे घर मदन जी साहब पधारे, मैंने हमारे हाउस सर्वेंट को आवाज दी कि राम पानी लाओ, वो ट्रे में अच्छी तरह से सजा के पानी ले आता है और उनके सामने रख लेता है। उनकी बजाय मैं खुद अपने हाथों से ट्रे लेके, ट्रे में से पानी लेके अगर मदन जी को ये कहते हुए बोलूं, मदन जी साहब पानी लेंगे, कितना बड़ा फर्क है। पानी वही है लेकिन इस प्रक्रिया में मान है, सम्मान है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सफाई, हमें पेरिस की तरह ये सोने चांदी का दिखने वाला या कहते हैं ना कांच की सड़क, वो नहीं चाहिए। जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, कोटेरी जी ने, सफाई चाहिए, बेसिक सफाई। प्लास्टिक नहीं पड़ा हुआ रहना चाहिए, वैसे तो प्लास्टिक मेरा व्यापार है। कपड़े, कागज कोने कोने में पड़े रहते हैं, पत्थर भी पड़े रहते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं। ये चीजें हम कहाँ से सीखेंगे? ये सादगी का, सफाई का मेरा मानना है, और मैंने पहले भी इसी प्रांगण की मीटिंग में अर्ज किया था कि हमें रिहर्सल करें तो बहुत सी चीजें पता चल जाती है। कि सभी का स्वागत है, ये सौभाग्य है कि आप सभी इस प्रांगण में आप उपस्थित है। उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारे लिए यहाँ पे है कि ऐतिहासिक चातुर्मास से मेरे लिए ये बड़ी बात है कि गुरुदेव का आगमन, आचार्य श्री जी का आगमन इस प्रांगण में हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन शायद ये कुछ पुण्य हुआ रहा होगा हमसे, तभी ये चातुर्मास यहाँ पे होने जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। मुझे जब पहली बार संदेश मिला कि इस तरह की जगह देखी जा रही है, तो मैंने भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। लेकिन उसके पहले एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि हमारे घर पे साध्वी जी अनिमा श्री जी पधारी थी, और उन्होंने कहा कि, तो ये 19 की बात है शायद, कहा कि 19 या 21 की बात है, मुझे 19 की बात है, और कहा कि गुरुदेव का चातुर्मास मुंबई में होने वाला है। मैं बोला कहीं भी हो निमित्त तो मैं ही ठहरूंगा। ये तब मैंने कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था मुझे नहीं पता, मतलब कहीं भी हो उसमें निमित्त मैं बनूंगा, ये मैंने कहा था। क्यों? और तब कहा था, मैंने कहा यहाँ बहुत सारा मीरा भाईंदर खाली पड़ा है, जहां उंगली रख लोगे वहां हो जाएगा। तो ये वैसी कही थी, और ये साध्वी जी के उस समय का आशीर्वचन। और बाद में जब कमेटी से मुलाकात हुई तब मैंने प्रांगण बताया, और यकीन मानिए कि ये सच्ची होगा ऐसा मैं मानता हूं कि श्रद्धा और भावना मेरे मन में एकदम स्पष्ट थी कि गुरुदेव का आगमन यहाँ पे हो, क्या मिलेगा क्या जाएगा, इससे ज्यादा ये था कि आगमन हो, इसीलिए शायद उनकी अनुमति मिली और हाँ हुई कि यहाँ पे ये चातुर्मास हो।